Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। मेरठ कॉलेज में भारी हंगामा। हंगामा ऐसा वैसा नहीं था, इस हंगामे में लात घूंसों के साथ गोलियां भी चली। दरअसल बाहर से आए 10-12 बदमाशों ने कॉलेज के कुछ छात्रों को उठाकर ले जाने की कोशिश की। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है जिसमें कॉलेज के 3-4 छात्र घायल हो गए हैं, जिसके बाद कॉलेज का गेट बंद कर लिया गया और बदमाशों को अंदर ले लिया गया। सिर्फ 3 बदमाशों को ही कॉलेज प्रशासन कॉलेज के अंदर ले पाया और पुलिस के हवाले कर दिया, बाकी बदमाश फरार हो गए। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि असल मामला क्या था, बदमाश क्यों आए और छात्रों को उठाकर ले जाने की क्या वजह रही। ये सारी वारदात कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, देखिए तस्वीरें। सुनिए मेरठ कॉलेज के छात्र विजित तालियान से मिली जानकारी। आपका नाम? मेरा नाम विजित तालियान है, मैं यहीं से छात्र राजनीति कर रहा हूँ। क्या हुआ कॉलेज कैंपस में? कॉलेज कैंपस में अभी लगभग 10-15 बाहरी गुंडे आए, उन्होंने आके यहाँ से 2-3 छात्रों को उठा के ले जाने की कोशिश करी। यहाँ के छात्रों ने उनके छात्र साथियों ने रोकने की कोशिश की तो उन पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग की। लगभग 5-6 राउंड फायर हुए और यहाँ की प्रोक्टर टीम भी बीच में आई तो उन पर भी फायर हुए। उसके बाद सभी छात्रों ने, यहाँ के शिक्षकों ने, सभी ने मिलकर कॉलेज का गेट बंद कर उनमें से बाकी सभी तो फरार हो गए। उनमें से लगभग 4-5 लड़कों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। क्या विवाद था, किस लिए कराया सर? विवाद का अभी कुछ पता नहीं है, किस मामले में आए थे किस मामले में नहीं आए थे अभी ये नहीं पता किस के लिए आए थे। अभी तो देखो ये तो पुलिस का काम है, प्रशासन पता करेगा क्या मामला। लगभग 5-6 राउंड फायर हुए। कुछ घायल भी हैं? हाँ, कॉलेज के 2-3 लड़के घायल हैं। अच्छा, ये बताओ अभी आप एसएसपी ऑफिस में पहुंचे थे क्या, ये वही लोग हैं, पहचानते हैं? एसएसपी ऑफिस में मेरा पर्सनल मामला था और अभी ये तो प्रशासन बताएगा, प्रशासन पूछताछ करके बताएगा वो मेरा ही मामला था या किसी और अन्य मामले में लोग यहाँ पे आए थे। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने इस बारे में यह जानकारी दी। सर, मेरठ कॉलेज के अंदर कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा मामला है और क्या इसमें अरेस्टिंग हुई है? ये 1:30 बजे के लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि मेरठ कॉलेज परिसर में छात्रों के गुटों के बीच में मारपीट हो रही है जिसमें कुछ छात्र घायल हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और आसपास के थानों का फोर्स मौके पर भेजा गया। मौके से 3 छात्रों को पकड़ा गया है जिसमें कुछ चोटें हैं जिन्हें जिला अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा गया है। पूरे घटनाक्रम के विषय में कॉलेज में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों और प्रॉक्टर से और जो अन्य छात्र हैं इनसे बातचीत करके जानकारी की जा रही है। कैसे परिसर के अंदर बाहर के भी छात्र आए हुए थे क्या, ये अभी हम स्पष्ट नहीं है, इसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो फायरिंग भी हुई क्या? अभी इसमें भी जांच का विषय है, अभी ये चीज़ पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।